नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रक लवर बाय अजय में। टाटा की 4830 BS6 फेज टू गाड़ी जो माइनिंग सेक्शन में चलने के लिए हमारे पास बनने के लिए आई थी, तो वो गाड़ी जो आज फुल रेडी हो चुकी है। सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट के बारे में बात करें, फुल फ्रंट है जो स्टील के साथ तैयार किया गया। आपको गुड्स कैरियर की ऊपर की तरफ बैजिंग देखने को मिल जाएगी, ऑल इंडिया परमिट्स की बैजिंग, डबल आई गेट्स, हैंडमेड हैंडल लगाए गए हैं। जहाँ पे आप ब्लाइंड स्पॉट्स मीटर देख सकते हो, बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से कवर किए गए हैं। वाटर जैक के साथ आपको वाइपर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सामने की तरफ मूछ का डिज़ाइन, टाटा का लोगो, आई गेट्स का काम देख सकते हो और इसकी वाइपर पट्टी देख सकते हो, बहुत ही हैवी तरीके से वाइपर पट्टी तैयार की गया। यहाँ पे आपको 4 इंची चैनल के साथ वाइपर पट्टी और ऊपर की तरफ 5 mm की मोटी जो है चादर लगाई गई है। डबल हेड लाइट्स का थ्रो देखने को मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल में आपको तिरंगा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ट्राले का डिज़ाइन और नीचे आप डंडा देख सकते हो, बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से जो है तैयार किया गया है। यहीं पे हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो साइड दिखाता हूँ। टूल से लेके जो 5 इंची गोले तक की फुल जो है स्टील के साथ तैयार किया गया। सामने की तरफ आपको 4 पत्ती का हैवी डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा और हैंडमेड हैंडल मिरर देख सकते हो खिड़की पे, ब्लाइंड स्पॉट्स मिरर। और सामने की तरफ आपको जो है सीडी कैबिन के साथ देखने को मिल जाएगी। हैंडमेड हैंडल लगाए गए हैं, 4 पत्ती का डिज़ाइन लगाया गया है, पैरेट ग्रीन एंड ब्लू कलर की यहाँ पे आपको टच लगाया गया है। यहाँ पे आप चेक चदर देख सकते हो, बहुत ही हैवी चेक प्लेट देखने को मिल जाएगी। फुट स्टैप की विजिबिलिटी आपको बहुत ही हैवी मिल जाएगी। प्लस आपको जो है अगर आपने रात में चढ़ना है तो इसमें लाइटिंग का काम भी आपको मिल जाएगा। नोज वेंट वाला आपको मडगार्ड्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एयर क्लीनर पे मिट्टी वगैरह ना जाए। सामने की तरफ हमने जो है मैट्स का काम करके दिया है और पीछे की तरफ जो है कंपनी पहले देती थी वो अब वो नहीं देती, तो अब हमने जो है मैट्स का काम करना शुरू कर दिया है। यहीं पे हम बॉडी और कैबिन के ज्वाइंट के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से बॉडी और कैबिन का ज्वाइंट किया गया। यू क्लैंपिंग के साथ जो है ज्वाइंट का काम देखने को मिल जाएगा। प्लस जो बोल्ट्स का काम देख सकते हो। ऊपर की तरफ आपको हैवी कूना देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 5 इंची कूना और जो है पीछे की स्पोर्ट्स, बहुत ही हैवी स्पोर्ट्स लगाई गई है। यहीं पे हम बॉडी के बारे में बात करें, यहाँ पे पेंटिंग देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से जो पेंटिंग की है। इंडियन फ्लैग की क्रॉसिंग देखने को मिल जाएगी। हैंडल देख सकते हो, अगर यहाँ पे आपको बत्ते वगैरह खोलने के लिए सहारे लगा के दिए गए हैं। नो ज्वाइंट वाले आपको मडगार्ड्स देख सकते हो। यहाँ पे आपको एडुए में, हर एक एडुए में जो है टायर के पास लाइटिंग का काम देखने को मिल जाएगा। व्हील कप में व्हील कैप देख सकते हो। न्यू से न्यू डिज़ाइनिंग में आपको व्हील कप गिल ट्रक बॉडी बिल्डर की तरफ से मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्रधान रोडवे की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इंडिकेटर लाइट्स पीछे की तरफ सेंटर में और आगे की तरफ आपको जो है इंडिकेटर लाइट्स देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको जो है कोई फट्टे वगैरह चोरी ना कर पाए, यहाँ पे आपको पत्तियों का जाला लगा के दिया गया है। बहुत ही हैवी तरीके से गिल ट्रक बॉडी बिल्डर की तरफ से इस गाड़ी का जो काम किया गया। यहाँ पे आपको बैक लुक के बारे में बताता हूँ। 3 पीछे की तरफ आपको स्पेयर फट्टे देखने को मिल जाएंगे। 2 इंची एंगल के साथ जो है डाला तैयार किया गया है। यहाँ पे आपको 3 इंची चैनल के साथ हैवी जो है इसके डंडे बनाए गए हैं। डबलिंग का काम देख सकते हो, ड्राइवर साइड कनेक्टर साइड दोनों साइड जो है डबलिंग का काम किया गया है। यहाँ पे यूज डीपर एयर नाइट की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। 5 mm की इस पर जो है चदर लगाई गई है। अगर आपने JCB वगैरह से धक्का लगाना है तो गाड़ी आराम से लगा सकते हो, गाड़ी को कुछ भी नहीं होने वाला। आपको 1.5 इंची डेढ़ सूत मोटे एंगल के साथ जाली देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी बहुत ही हैवी जो है चादर लगाई गई है। यहाँ पे आपको नेम प्लेट और रिवर्स कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपने गाड़ी बैक वगैरह करनी है तो आपको सामने LEDs में देखने को मिल जाएगी। यहीं पर हम ड्राइवर साइड के बारे में बात करें तो ड्राइवर साइड का काम जैसे कनेक्टर साइड में हुआ वैसे ही जो है ड्राइवर साइड में हुआ है। यहाँ पे आपको जो है फट्टा बॉक्स देखने को मिल जाएगा, LED लाइट्स, एडजस्टेबल मड फ्लैप जो है रबड़ के लगाए गए हैं। यहीं पे आपको जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हो LED स्लैट का काम किया गया है। नीचे की तरफ आपको यू क्लैंपिंग का काम देखने को मिल जाएगा और प्लस बोल्ट्स का काम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिद्धू मूसे वाले जी की तस्वीर, इंडिया का तिरंगा और त्रिशूल बाबा जी का। यहीं पे डीजल टैंक और यहीं पे डीजल टैंक की सेफ्टी के लिए जाला लगाया गया है। आपको कंपनी का ओरिजिनल लॉक्स लगा के दिया गया जो साथ में आता है। गाड़ी देख सकते हो, एक बार चेक करो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो गाड़ी का काम किया गया है। मैं आपको एक बार अंदर से चेक करवाता हूँ। अंदर में अभी थोड़ा सा काम चल रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दिखाता हूँ अंदर से।
यहीं पे हम कैबिन के अंदर के बारे में बात करें तो कैबिन का अंदर का जो अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, शीट वगैरह पेंडिंग में चल रही है और सामने की रैक फट्टी जो है डिज़ाइनिंग का काम जो है पेंडिंग में चल रहा है। थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो छत का डिज़ाइन, 3D लाइट्स और यहाँ पे टीक वुड प्लाई का काम, यहाँ पे सभी बॉक्स में जो लॉक्स का काम आपको देखने को मिल जाएगा। आगे की तरफ भी लॉक्स का काम, पीछे की तरफ आपको शॉकर सिस्टम वाला ढक्कन देखने को मिल जाएगा। अगर आपने कपड़े वगैरह रखने हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से रख सकते हो। यहाँ पे आपको JBL के स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कपड़े टांगने की विजिबिलिटी, पाइप और पंखा वगैरह जो सभी गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स की तरफ से मिल जाएंगे। गाड़ी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड फॉलो ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ग्राउंड लेवल की वीडियोज़ के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।